हेलो गाइस, मैं हूं अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑटो अप 360। तो भाई आज हम बात करने वाले टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया इन 2022। तो भाई सबसे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर जो हमारी गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ब्रेजा की हम बात करें तो भाई ये हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज में आती है और ये गाड़ी हमारी अभी लॉन्च हुई है, फेसलिफ्ट वेरिएंट इसका आया है 2022 में। तो भाई इस गाड़ी के जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए लोगों को और यूनिट सेल हुई है 87,639 जो कि काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है पूरे 2022 में। इस गाड़ी के जो लुक्स हैं वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में आते हैं और ये गाड़ी हर जगह जाने के लिए कैपेबल है। लोगों को ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी क्योंकि भाई ये एक बजट रेंज में अच्छा खासी चीज़ें ऑफर कर देती है, इस वजह से इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। प्राइस की बात करें 7.99 से 13.96 लाख तक एक शोरूम प्राइस इस गाड़ी की हम लोग को पड़ती है। तो भाई ये गाड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सेल हुई है, मारुति ने काफ़ी ज़्यादा बेचा है इस गाड़ी को और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इस गाड़ी से निकाले हैं। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी हम लोग की आती है। अब हमारी जो दूसरी गाड़ी रेंज में है वो है टाटा की पंच। टाटा पंच की इतनी ज़्यादा हाइप बनाई थी टाटा ने, उस हिसाब से भाई इस गाड़ी की सेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो रही है। काफ़ी सारे एडिशंस भी टाटा इस गाड़ी में निकाल चुका है। यूनिट्स की बात करें तो 96,196 यूनिट्स हमारी इस गाड़ी की सेल हुई हैं। ये गाड़ी हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है लेकिन ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, उसके बाद भी लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि भाई ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ छोटी सी कार हमारी आती है। एवरेज की बात करें तो थोड़ा कम है लेकिन फिर भी लोग इसमें खुश हैं क्योंकि भाई ये गाड़ी टाटा की है। अगर प्राइस की बात करें तो 5.93 से 9.46 लाख तक ये गाड़ी हमारी हम लोग को मिल जाती है। टॉप काफ़ी सारे वेरियंट आते हैं और टॉप मॉडल हमारा इसी रेंज में पड़ता है, तो ये गाड़ी हमारी टाटा की आ जाती है। हमारी खुशी इस चीज़ में है कि भाई टाटा हमारी काफ़ी अच्छा वेल परफॉर्म कर रही है क्योंकि भाई ये टॉप 10 सेलिंग कार्स में हमारी ये आती है। अब हम बात करें यहाँ पर तो भाई इसके जो लुक्स हैं वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और ये गाड़ी हमारी एक अल्ट्रोज के बाद एक सेकंड ऑप्शन हो जाता है टाटा वालों के लिए, क्योंकि जिनको अल्ट्रोज नहीं लेनी वो यहाँ पर टाटा पंच पर स्विच कर सकते हैं। आठवें नंबर पर जो गाड़ी हमारे पास है वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। यूनिट्स की बात करें तो 97,229 यूनिट्स सेल हुई हैं। ये गाड़ी एमयूवी सेगमेंट में हमारी गाड़ी आती है और इस गाड़ी को लोग पैसेंजर साइड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्राइस की बात करें तो 8.35 से 12.79 लाख एक शोरूम प्राइस हम लोग को ये गाड़ी पड़ती है। तो लोगों को ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि भाई ये गाड़ी हमारी मेनली चलती है मतलब ट्रेवलर्स वगैरह में, तो लोग इसको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। सातवें नंबर पर जो गाड़ी है वो है लोगों की पसंदीदा होंडा क्रेटा। यूनिट सेल हुई है 1,05,489। काफ़ी ज़्यादा यूनिट सेल हुई हैं क्रेटा की, इतनी ज़्यादा वेटिंग होने के बाद भी लोग इसको धड़ाधल्ले से खरीद रहे हैं क्योंकि भाई ये गाड़ी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है 2016 से, तब से इसकी यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। प्राइस की बात करें तो 10.44 से 18.24 लाख तक इस गाड़ी की प्राइस जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक कम्फर्ट एसयूवी के हिसाब से। वेन्यू भी इस रेंज में आती है लेकिन भाई क्रेटा का कोई टक्कर नहीं है, लोग इसके मतलब वेन्यू से महंगी है उसके बाद भी लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं और ब्लैक क्रेटा का तो कहना ही क्या है। अब बात करते हैं हमारी छठवें नंबर की, तो वो है मारुति सुजुकी की डिजायर। 1,10,145 यूनिट सेल हुई है। इस गाड़ी का कंपनी ने डीजल वेरिएंट बंद कर दिया, नहीं तो वो भी काफी ज्यादा सेल होता था। उसके बाद भी प्राइस की बात करें तो 6.23 से 9.17 लाख तक इस गाड़ी की हमारी प्राइस जाती है। काफी लोग इसको खरीदते हैं, काफी लोग इसके नए लुक्स पसंद नहीं आते हैं, उसके बाद भी गाड़ी धड़ल्ले से बिक रही है। अब बात करते हैं पांचवें नंबर की, तो मारुति सुजुकी अल्टो जो कि भाई मारुति की पहचान मानी जाती है। यूनिट की बात करें तो 1,16,977 यूनिट्स हमारी सेल हुई हैं अल्टो की। काफ़ी अनसेफ गाड़ी है और ये गाड़ी बिल्कुल 0 स्टार है, उसके बाद भी लोग इसको पसंद करते हैं एज अ सेकेंडरी कार और ये गाड़ी अभी भी इंडिया के दिलों में राज करती है क्योंकि भाई इसका जो माइलेज है वो भाई अपने आप में है। और अगर प्राइस की बात करें तो 3.39 से 5.09 लाख हम लोग को इसकी प्राइस पड़ती है एक्स शोरूम। इसका अल्टो K10 वेरियंट भी हमारा लॉन्च हुआ है जो कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई इस गाड़ी की मतलब अलग ही क्रेज है और लोग इसको हमेशा खरीदते रहेंगे, मेरा मानना यह है क्योंकि भाई 0 सेफ्टी रेटिंग के बाद भी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बिक रही है। कि नेक्सॉन, टाटा की नेक्सॉन का तो भाई कहना क्या है। यूनिट्स की बात करें तो 1,26,587 मतलब आप ये सोचिए 12 नंबर में से सीधे चौथे नंबर पर जंप करना कोई आसान बात नहीं है जो कि टाटा ने यहाँ पर करके दिखा दिया है। इतने सारे वेरियंट और इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी टाटा यहाँ पर नेक्सॉन को धड़ल्ले से बेच रहा है क्योंकि भाई ये गाड़ी है जिसने एक बेंचमार्क सेट किया है 5-स्टार रेटिंग सेफ्टिंग का। अब हम बात करें यहाँ पर तो भाई ये गाड़ी में सनरूफ वगैरह सब कुछ हम लोग को मिलता है। टाटा की हर
मतलब आप ये समझिए टाटा यहाँ से चेंज हुआ है और नेक्सॉन ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है टाटा को यहाँ पर ऊपर आने में। प्राइस की बात करें तो 7.59 से 14.07 लाख एक्स शोरूम हम लोग को इस गाड़ी की प्राइस पड़ती है। बाकी इस गाड़ी की काफ़ी सारे वेरियंट्स हम लोग को मिलते हैं, ईवी में ये गाड़ी हमारी आती है, तो टाटा इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्जिन निकाल रहा है, इंडियन कारें सपोर्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग टॉप थ्री पर जो कार हमारी आती है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। स्विफ्ट का भाई अलग ही क्रेज़ है। यूनिट्स की बात करें तो 1,31,979 यूनिट्स हमारी सेल हुई, काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पर मारुति ने सेल की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मारुति का अलग ही कंट्रोल है भाई यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियों में। और प्राइस की बात करें तो 5.91 से 8.84 लाख एक्स शोरूम प्राइस हम लोग को स्विफ्ट की पड़ती है। काफ़ी सारे वेरियंट्स हमारे तीन आते हैं इसमें, और हम बात करें तो ये मिनी कूपर भी कहलाती है इंडिया की। ये गाड़ी काफ़ी सालों से इंडियंस के दिलों पर राज करती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो वो है भाई बलिनो। बलिनो भाई 1,32,275 यूनिट सेल कर चुकी है इस साल में। मतलब आप सोचिए फेसलिफ्ट आने के बाद और भी ज़्यादा सेलिंग इस गाड़ी की हम लोग को पड़ गई है, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में मेरा मानना है कि बलिनो के अलावा और कोई इतनी चीज़ें ऑफर नहीं करता। प्राइस की बात करें तो 6.42 से 9.40 लैक्स तक हम लोग को एक शोरूम पड़ती है गाड़ी, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग के साथ ये हमारी दूसरे नंबर पर अपनी जगह मेंटेन करके बैठी हुई है। अब बात करते हैं लास्ट की, तो वो है भाई मारुति सुजुकी की वैगनार। वैगनार का भाई लोग काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी हमेशा बाजी मार जाती है, क्योंकि भाई ये आती है हमारी नंबर वन पे। इस गाड़ी की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 1,74,471 यूनिट्स कुछ कहलाती हैं भाई। इतनी सारी यूनिट्स इस गाड़ी की सेल हुई हैं, मतलब आप सोचिए जीरो स्टार रेटिंग के बाद भी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक वरदान टाइप का है। और प्राइस की बात करें तो 5.47 से 7.19 लाख तक ये गाड़ी हमारी जाती है। अब मैं आपको बता दूँ फंडा यहाँ पर क्या है। मारुति की गाड़ियों की अगर हम बात करें तो भाई बिना सेफ्टी के बाद भी ये गाड़ी क्यों बिक रही है, लोग इसको ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा नंबर्स की, तो यहाँ पर सिर्फ दो कंपनियाँ और हैं जो एग्जिस्ट करती हैं नंबर 10 में, वो है हमारी होंडे की क्रेटा और टाटा की नेक्सॉन और पंच। ये मतलब आप सोचिए उसके बाद ये सारी गाड़ियाँ मारुति की हैं, तो यहाँ पर कुछ तो जादू किया होगा मारुति ने, इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे से समझती है, और इसीलिए वैगनार जैसी गाड़ी नंबर वन पर है विथ जीरो स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, क्योंकि ये गाड़ी हमारी मिडिल क्लास को कंट्रोल करती है। पूरी मारुति सुजुकी यहाँ पर देखें तो हम लोग की 15 लाख के अंदर सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, तो यहाँ पर मारुति ने कब्जा कर रखा है टॉप 10 में। तो बस भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस वीडियो करते हैं एंड, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।